तो दोस्तों यहां पर बगल में देखिए आपको स्क्रीनशॉट में आपको मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं। जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको यूट्यूब का होम स्क्रीन दिखता है और यहां पर वीडियो का थंबनेल यहां पर दिखता है। अब यहां पर देखिए आपके सामने एक थंबनेल है, यहां पर लिखा मिलिए छोटे खान सर से, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग। और इस वीडियो पर आप देखोगे तो 6.2 मिलियन व्यूज है, यानी कि 60 लाख से ज्यादा के व्यूज है सिर्फ 3 दिन के अंदर में। और इनके चैनल को मैं जब ओपन करता हूं तो देखिए 4 लाख से ज्यादा के सब्सक्राइबर हैं। और इनकी हर वीडियो पर देखिए 23 घंटे 24 घंटे में, एक दिन पहले, दो दिन पहले और उससे पहले देखिए 4 दिन पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया हुआ था, सिर्फ उस पर 9,000 तक व्यूज है। और इसके बाद 6 दिन पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया था, उस पर सिर्फ 1 मिलियन व्यूज है। और उसके पहले वाले वीडियो देखिए इनके चैनल पर आप देखोगे कि कम कम व्यूज है, लेकिन आप इस वीडियो को देखोगे जो 4 दिन पहले इन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया हुआ था, उस पर आप देखोगे कि 16.2 मिलियन से ज्यादा के व्यूज है जो इन्होंने 3 दिन पहले वीडियो को अपलोड किया हुआ था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आखिर इस वीडियो पर इनके व्यूज क्यों आए? इसका जवाब यह है कि थंबनेल में कुछ आपको ऐसा दिखा जो आपको अनएक्सपेक्टेड लगा और आपको क्लिक करने पे मजबूर कर दिया इस थंबनेल ने, और इस वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो गया। चलो एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, जब मैं अपनी वीडियो को अपलोड करता हूं यानी कि पब्लिश करता हूं मैं 1 बजे, तो सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जाता है और नोटिफिकेशन को आप जब क्लिक करके देखते हो तो थंबनेल दिखाई देता है, यानी कि सबसे पहले थंबनेल ही जाता है। और जब थंबनेल अगर अच्छा रहा यानी कि वायरल थंबनेल रहा तो वीडियो पर व्यूज आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और आपकी वीडियो 100% वायरल जाना सच है, ठीक है, क्योंकि थंबनेल ही वायरल करता है वीडियो को। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव रहा, अगर आपका थंबनेल बढ़िया रहा, अपने अच्छे तरीके से वीडियो का थंबनेल बनाया हुआ है, तो आपकी वीडियो पर व्यूज लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद यूट्यूब। अब 90% यूट्यूबर ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी वीडियो को बनाने के बाद अपने थंबनेल को बनाते हैं और इसके बाद अपनी वीडियो को पब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से गलती ये होती है कि आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आता है। आपको एक एग्जांपल मैं और यहां पर दिखा देना चाहता हूं। मेरा एक चैनल है, बहुत पुराना चैनल है, एंड्रॉइड अरीना, आज से ये पहले 2 से 3 साल पुराना चैनल है, ये देखिए 3 साल पुराना चैनल है। इस पर आप देखोगे कि 34 सब्सक्राइबर है। इस चैनल को भी मैंने ही स्टार्ट किया हुआ था, यहां पर आप देख सकते हो इसका वीडियो का थंबनेल आप देखिए। उस टाइम पर मैं थंबनेल अच्छे से नहीं बना पाता था, जिसकी वजह से मेरी वीडियो पर व्यूज बहुत कम आते थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप मेरी वीडियो का थंबनेल देखोगे, जो मेरे चैनल का थंबनेल है, उस पर आप देखोगे कि थंबनेल कुछ टोटली डिफरेंट थंबनेल है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो पर आप देखोगे कि लाख लाख में व्यूज चले जा रहे हैं। आपको वो भी प्रूफ मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पॉपुलर वीडियो में मैं जा रहा हूं, अभी 1 महीना पहले मैंने जो वीडियो बनाया था माई फर्स्ट ब्लॉग पे, आप देखोगे कि उस पर 3,80,000 यानी कि 4 लाख के करीब में व्यूज चले गए। यहाँ पर देखिए एक मैंने थंबनेल का और वीडियो मैंने बनाया हुआ था कि थंबनेल में छुपा है राज, वायरल होने का राज छुपा है, थंबनेल बनाना सीखो, उस पर भी देखोगे कि 1 महीने के अंदर में 1,34,000 व्यूज चले गए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने थंबनेल में कुछ ऐसा ट्रिक बताया था जो आपने अगर नहीं सीखा है तो ये वाला भी थंबनेल आप देख लेना जो मैंने आपको बताया है, वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको जो थंबनेल बताने वाला हूं वो भी एकदम से बहुत ही टोटली डिफरेंट थंबनेल होने वाला है। आप अगर सीखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो का वायरल थंबनेल आप कैसे बना सकते हो। तो वीडियो का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर के इसे एंड तक आप जरूर देख लेना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर हमेशा यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहता हूं, जो हमेशा आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे और बहुत कुछ नहीं आप सीखते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर मैंने काइन मास्टर ओपन किया हुआ है, शुरुआत यहीं से करनी है, काइन मास्टर से ही आपको थंबनेल बनाने की शुरुआत करनी है। कैसे, वो चीजें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना है और मीडिया पे आपको सिलेक्ट करना है। मीडिया पे सिलेक्ट करने के बाद आपको इमेज असेट्स में चले जाना है। इमेज एक्सेस में चले जाओगे तो आपके सामने देखोगे इस तरह से बहुत सारे आपको इमेज मिल जाएंगे। अगर आपको इमेज नहीं मिल रहा है, आपके मतलब काइन मास्टर बहुत कम है, तो इस वाले घर वाले पे क्लिक करके आप थंबनेल डाउनलोड कर सकते हो। अभी इंटरनेट मैंने बंद कर रखा हुआ है, तो यहां से आप बहुत सारे थंबनेल के इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारा थंबनेल का बैकग्राउंड इमेज दिख रहा है, इसी में से मैं किसी एक को चुन लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको यहाँ पर चुन लिया, ठीक है, नहीं तो आप दूसरे को भी यहाँ पर रीसेलेक्ट करके चुन सकते हो। तो यहाँ पर चलिए मैंने जैसे मान लिया कि मैंने एक इस वाले को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, क्रॉप कर लिया। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्रॉप कर लिया। अब इसके बाद आपको सिंपल से चले जाना है दोस्तों पिक्सल लैब में, ठीक है। पिक्सल लैब मैंने ओपन किया। अब पिक्सल लैब ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर एक पिक्सल लैब का आपका टैब ओपन हो गया। फिर आपको क्या करना है, 3 टैब पे आपको क्लिक करना है और यूज इमेज फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ये वाला इमेज आपको ले लेना है, ठीक है। इस इमेज को ले लेना है। लेने के बाद में आपको सिंपल से क्या करना है,
सबसे पहले इस थंबनेल को थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पे आइए, इस पे आने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सेचुरेशन, ह्यू, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से कर करके देखिए हमें क्या अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि वीडियो बनाने के पहले आपको एक घंटे पहले, डेढ़ घंटे पहले आपको थंबनेल बनाना चाहिए। और सच्ची बात बताऊं तो आप एक चीज, इस चीज को ध्यान रख लीजिए, कभी भी किसी का कॉपी करके आप थंबनेल मत बनाइए, ठीक है, कि ये ऐसा बना रहा है तो उसी तरह से मैं भी बनाऊंगा। हमेशा आप अपना थंबनेल बनाइए। आप मेरा थंबनेल देखोगे, मैं कभी किसी का कॉपी नहीं करता हूं, मैं अपना खुद का बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले सैचुरेशन में आइए, और इसके बाद आप इसको बढ़ाइए, कम कीजिए, घटा के देखिए, फिर ह्यूज पे आइए, देखिए कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लगे आपको वो वाला सेलेक्ट कीजिए, देखिए इस तरह से अच्छा लग रहा है। फिर कॉन्ट्रास्ट पे आइए, कॉन्ट्रास्ट पे आने के बाद देखिए क्या अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे नॉइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके देखिए कि अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। इतना हो गया ना, इतना होने के बाद में आपको सिंपल से क्या करना है दोस्तों, इसको सबसे पहले हमको यहाँ पर हटा देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ड्रॉ वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, इसको आपको सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक करके, और ये देखिए पेन साइज यहाँ पर आपको 120, स्मूथनेस 100%, और इसके बाद ब्लर रेडियस को भी आपको इस तरह से 25 पे कर देना है, और इसको आपको क्लिक नहीं करना है। करने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करके देखना है कौन सा कलर आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक ले लेने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस तरह से सबसे पहले इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने इस तरह से कर दिया। अब करने के बाद यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद इसको इस तरह से लेता हूँ, और यहाँ पर इस तरह से इसको करके ध्यान से देखिएगा, इस तरह से कर दिया थोड़ा सा, और इसके बाद इसको हम इस तरह से फैलाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए इस तरह से हम इसको फैलाएंगे। इतना अच्छा थंबनेल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा दोस्तों कि आप यार किसी दूसरे का थंबनेल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपने थंबनेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। थंबनेल अच्छा रहता है ना तभी वीडियो पर क्लिक बेट, मतलब क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होता है, यानी कि CTR ज्यादा बढ़ता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया। अब देखिए थंबनेल का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, अभी इसको हम और भी अच्छा कर देंगे। इतना हो गया, अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको जो लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके आप इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने से पहले आप इसको अनलॉक कीजिए, और यहाँ पर आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपने ब्लैक कर दिया, अगर ब्लैक आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कलर वाले ऑप्शन पे आइए, ये कलर वाला ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आप इसको ब्लू कर सकते हो, ठीक है, इसको ब्लैक भी यहाँ पर जो है व्हाइट कर सकते हो, व्हाइट अच्छा लग रहा है, रेड कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्लैक अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी ब्लैक पे अच्छा सा यहाँ पर निखर कर थंबनेल आने वाला है। इसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लॉक करते हैं। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको अपने थंबनेल में जान लगानी है। जान मतलब क्या होता है, फोटो पे जाइए, फोटो आने भी गया, देखिए मैंने यहाँ पर इरेजर पे बहुत सारे थंबनेल को यहाँ पर मैंने बना करके रखा हुआ हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी एक थंबनेल को यहाँ पर अपने फोटो को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये वाला मैंने फोटो लिया, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको मैंने लिया। लेने के बाद में अभी इस तरह यहाँ पर आएंगे, देखोगे कि ये वाला जो हाथ है ये कवर कर ले रहा है थंबनेल को, तो हमको इस पे क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक क्रॉप वाला ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करके हमको इस साइड में कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इतना इस साइड में हो गया। अब इसके बाद हमको इसको छोटा करना है, ध्यान से देखिएगा, छोटा करना है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरा व्हाइट टी शर्ट बैकग्राउंड का भी टी शर्ट थोड़ा कलर मैच हो जा रहा है, तो इसको हमको सेलेक्ट करके यहाँ पर शेडो वाला एक ऑप्शन मिल रहा है, इसको यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हम इसको येलो कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैक कर सकते हैं बैकग्राउंड को, नहीं तो ब्लू कर सकते हैं। देखिए ब्लू कर दिया तो बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा, ठीक है। अब इसके हम रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देखिए रेडियस को बढ़ाने के बाद इतना काम हो गया। अब इसके बाद आप ये इसी फोटो पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए आपको क्या एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए कलर फिल्टर का, कलर फिल्टर पे आइए, आपको थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा देना है, आपका फोटो का जो कलर है वो बैकग्राउंड से अट्रैक्टिव लगना चाहिए। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इस पे आएंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब ये फोटो हिलेगा नहीं, कुछ भी करो अब हिलेगा नहीं। अभी जैसे मान लो मैं वीडियो क्या बना रहा हूँ कि वीडियो वायरल कैसे करें, या थंबनेल कैसे बनाए, या कुछ भी व्यूज कैसे बढ़ाए, कुछ भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा थंबनेल कैसे बनाए, आपको मैं जस्ट दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट पे गया, टेक्स्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर मैं लिखा थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है, थंबनेल। इसके बाद थंबनेल हो गया इंग्लिश में। अब इसके बाद कैसे बनाएं, ठीक है, इसको हम करेंगे हिंदी में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर हम इमोजी लगा देंगे। इमोजी लगाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से वाला लगा देंगे ताकि ऑडियंस को देखने में अच्छा लगे। भाई आपको कुछ चीजें देखने में अच्छी लगती हैं तो उसी तरह से दूसरों को भी तो अच्छी लगेंगी ना। और इसके बाद इस तरह से हमको इस पे बढ़ा देना है। अब दूसरा काम क्या करना है,
यहां पर देखिए, अभी देखिए धीरे धीरे इसमें जान आने वाला है। थंबनेल पे इस पर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद यहां पर आइए, फॉन्ट में आइए। फॉन्ट में आने के बाद में देखिए, मैंने बहुत सारा फॉन्ट यहां पर इस तरह से किया हुआ है। यहां पर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया। अब इसके बाद इसको हम कलर करते हैं, येलो वाला कलर इसमें लगाएं। अभी देखिए अब जान धीरे धीरे आ रहा है ना भाई, मजा आने लगा होगा। इसके बाद इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर फिर से हम जाते हैं शेडो में। शेडो में आने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं। देखिए इनेबल करने के बाद में यहाँ पर ब्लैक पे सिलेक्ट करते हैं। ब्लैक पे सिलेक्ट करने के बाद इसको हम इनेबल करके इसको रेडियस ब्लर को हम बढ़ा देंगे। ध्यान से देखिएगा, बढ़ा दिए। अब बढ़ाने के बाद देखिए, अब थंबनेल थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, एकदम से जान आ रहा है ना। थंबनेल कैसे बनाएं, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं मोबाइल से। तो यहाँ पर हम अपने गूगल पे आएंगे, नहीं तो यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम है इमेज सर्च मैन। इस पे आप लिखिए मोबाइल पीएनजी, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए इंग्लिश में मोबाइल पीएनजी, ठीक है। इंटरनेट मैंने बंद कर रखा होगा, इसको यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए, अभी जैसे मेरा वाईफाई कनेक्ट हो जाओ भाई, वाईफाई कनेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने मोबाइल पीएनजी लिखा, देखिए यहाँ पर अभी बहुत सारे मोबाइल आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कोई भी एक मोबाइल ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए इसी को मैंने यहाँ पर ले लिया, ये देखिए ये वाले मोबाइल को यहाँ पर ले लिया। या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल, चलो ठीक है मोबाइल ही मैंने यहाँ पर लिखा, एम ओ बी आई एल ई मोबाइल पी एन जी, ठीक है मोबाइल पी एन जी यहाँ पर मैंने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर किसी एक मोबाइल को हम यहाँ पर ले लेते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। हम चलिए इसी लड़की को ले लेते हैं भाई, देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी, आप लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है ना भाई। तो चलो यहाँ पर मैंने ले लिया, या फिर मैंने इस रेड वाली लड़की को ले लिया। इस रेड वाली लड़की को मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर मैं आऊंगा पिक्सल लैब में, ठीक है। पिक्सल लैब में आने के बाद यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूंगा, फ्रॉम गैलरी पे जाऊंगा, यहाँ पर इसको लूंगा। और इसको लेने के बाद देखिए, इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है तो इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा इरेजर। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो ये पूरा यहाँ से जाने लगा, यानी कि ये भी हट गया। तो आपको यहाँ पर सिंपल से डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद में एक और आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, बैकग्राउंड इरेजर। इस पे मैं आया, इस पे आने के बाद मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको डन किया और यहाँ पर देखिए ऑटो कलर पे मैंने आने के बाद यहाँ पर इसको कर दिया। तो ये देखिए पूरा क्या है कि बैकग्राउंड जो है वो हट गया, लेकिन यहाँ पर देखिए लड़की का भी जो है टी शर्ट हट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, ये देखिए इतना हट गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं रिपेयर पे क्लिक करके ये जो यहाँ पर इसके शर्ट पे हुआ है इसको हम हटाएंगे, ये देखिए ये हट गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैक पे सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे कि एकदम से सही हो गया है क्या, ये देखिए ये लड़की का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर हट गया है। अब इसके बाद यहाँ पर सेव मैंने किया, सेव मैंने के बाद फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद यहाँ पर मैं आया और इसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को मैंने यहाँ पर ले लिया। अभी भी देखो ये आ ही रहा है ना, ये देखो। अब इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से क्या करूंगा दोस्तों, इरेज कलर पे आने के बाद ये कर दूंगा, लेकिन अभी देखो फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इरेज बैकग्राउंड पे आएंगे, इसके बाद इसी फोटो को फिर से हम लेंगे और इसके बाद में बैकग्राउंड को ब्लैक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिखने लगा कहाँ कहाँ पे हमारा छूटा हुआ है। इसके बाद ऑटो कलर पे आएंगे या हम मैजिक कलर पे आएंगे और इसके बाद इस तरह से करके हम सारे चीजों को हटाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसे हटते जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हटाते जाएंगे, जितना यहाँ पर अनवांटेड चीज है वो सारी चीजें यहाँ पर गायब हो जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये पूरे तरीके से हट चुका है। इसके बाद यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर आया, इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद में प्लस वाले आइकन पर क्लिक किया, फ्रॉम गैलरी पे गया। इसके बाद देखिए ये पूरे तरीके से फ्रेश वाला आ गया है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए थंबनेल कैसे बनाएं मोबाइल से। अब इसके बाद ये लड़की यहाँ पर आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे मोबाइल से। अब इसी को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल से, ठीक है। इसको हम लिखेंगे देखिए एम ओ बी आई एल ई मोबाइल से कैसे बनाएं, इसको हिंदी किया, मोबाइल से कैसे, मोबाइल से थंबनेल, ठीक है मोबाइल से थंबनेल। अब इसको हम टी को क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, मोबाइल से थंबनेल, ये देखो हो गया ना। अब इसमें हमको कुछ तो लगाना पड़ेगा, जो मोबाइल खाली है मेरा वाला मोबाइल, इसमें हम क्या करेंगे कुछ यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए हम अपने फोटो को ही इसमें अपना लगाना चाहते हैं या अपने थंबनेल को लगाना चाहते हैं। मैंने जो थंबनेल यहाँ पर बनाया हुआ, गैलरी में गया। गैलरी में जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी।
फ्रॉम गैलरी में आने के बाद में यहां पर मैं आया फोटो पे, फोटो पे आने के बाद देखिए यहां पर मैंने बहुत सारे थंबनेल को बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए इनसी में से कोई एक थंबनेल आपको लिए यहां पर मैं बस दिखाने के लिए ले रहा हूं, तो इसको ले लिया। लेने के बाद यहां पर मैं क्या किया, इसको यहां पर जस्ट ऐसे करके इस मोबाइल में फिट मुझे करना है, ठीक है। यहां पर तो हल्का सा इस तरह से किया, ये देखिए ध्यान से देखिएगा इतना हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, हम अपना फोटो को अनलॉक करेंगे, ये देखिए अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे फ्रंट। अभी देखिए ये वाला तो सेलेक्ट हो गया, इसके बाद इसको लॉक करेंगे अपने फोटो को। लॉक करने के बाद इस पर हम सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि मोबाइल में हमारा अच्छे से दिखे, भद्दा ना लगे। तो चलो इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर उठा लेते हैं। ये देखिए हो गया, अभी नहीं हुआ, सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमारा क्या है ये वाला जो है बैक चला गया। तो इसको हम इस पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम इस पे ए वाले पे आएंगे और फ्रंट वाले पे कर देंगे। तो ये देखिए हो गया। अब यहां पर हमें कुछ और भी चीजें लगानी है। फ्रॉम गैलरी में गया, गैलरी में जाने के बाद यहां पर मैं फोटो में गया और इरेजर में गया, तो यहां पर मैंने बहुत सारे चीजों को यहां पर मैंने इरेज कर करके रखा हुआ है। आप भी इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यूट्यूब का लोगो लगा देना, क्योंकि यूट्यूब का ही है ना भाई, तो YouTube का यहाँ पर लोगो लगा देना। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे YouTube का लगा करके रखा हुआ है, न्यू यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो आपको इसी तरह से अपने थंबनेल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ भाई थंबनेल में कुछ तो जान है। ये देखिए थंबनेल कैसे बनाए, न्यू मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए। तो देखिए थंबनेल अच्छा लग रहा है ना भाई। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको सेकेंड वाला काम क्या करना है, जो मैंने आपको बताया हुआ था, आपको यहां पर में जाने के बाद में एक एप्लीकेशन है रेमिनी, ये देखिए इस एप्लीकेशन में जाकर के अपने थंबनेल को अच्छे तरीके से एडिट कर लेना है। मैंने आपको इस वाले थंबनेल में मैंने बताया हुआ है, आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जाकर के उस वीडियो से सीख लीजिए। मैंने इसमें आपको अच्छे तरीके से बताया कि थंबनेल को कैसे और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया था। इतना थंबनेल आपका बन गया और यहां से जाकर के आप अपने थंबनेल को इनहेंस कर दीजिए। बात बाकी वाला यहाँ पर आप ऊपर आई बटन में आप देख लीजिए कि मैंने कैसे आपको बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थंबनेल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।